ये है दिल्ली दर्पण। डेड बॉडी उसकी हवाले की है। मैं आपकी सारी बात तो अकेला रह गया था तो अकेले का मतलब नहीं है किसी को उठा के अंदर कर दोगे। अशोक विहार के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पानी को लेकर होने वाले झगड़े लाल बहादुर की मौत के बाद भी बदस्तूर जारी हैं। ये झगड़े इतने ज्यादा होते हैं कि अशोक विहार थाना पुलिस की पूरी पूरी रात इन झगड़ों को सुलझाने और समझने में निकल जाती है। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस चौकी में जमा ये भीड़ भी उसी का एक हिस्सा है। यहाँ कल दोपहर को पानी के टैंकर से पानी लेने के दौरान दो गुटों में ऐसा झगड़ा हुआ कि देर रात तक पुलिस चौकी पर हंगामा बरकरार रहा। दोनों पक्षों के अपने अपने ही दावे थे। पीछे पानी भर रहा था, टैंक से बोला मैंने कि भैया आंटी लाइन पर पानी भर दो, लेकिन वो नहीं भरा, वो आगे होने लगा। उसके बाद मुझे पीछे से धक्का देने लग गया। क्या हुआ? यही बात हुआ जब पानी भरने के लिए गया वहाँ पे, मार करेगा कि पानी भरेगा इंसान, क्या करना चाहिए उसमें ये बताइए। पहले पहला नंबर तो लेडीज जब पानी भर सकता है उसमें टैंकर में, मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष आरती शर्मा और स्थानीय निगम पार्षद विकास गोयल तक भी पहुंची। विकास गोयल भी पुलिस चौकी में तैनात जवानों की कार्रवाई और उनके डील करने के तरीके से असंतुष्ट नजर आए। चौकी में ही विकास गोयल ने रात 12 बजे धरना दे दिया। विकास गोयल पानी पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन झगड़े के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इलाके की महिला थाना अध्यक्ष ने बड़ी सूझबूझ से मामले को शांत किया। पुलिस और पार्षद ने लोगों को भरोसा दिलाया कि पानी वितरण के दौरान पुलिस की तैनाती भी होगी और पानी के लिए समरसिबल भी लगाए जाएंगे। सुबह मेरे पास तो फोन आया था 5-6 घंटे पहले कि ऐसे ऐसे कोई झगड़ा हो गया, तो मेरी ऐसे नॉलेज में नहीं था। तो अभी आधे घंटे पहले फोन आया कि दोनों जो अभी जिसको पकड़ के बिठा रखा है नईम नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि मेरी वाइफ की कंप्लेंट भी रिसीव नहीं कर रहे, उसकी कंप्लेंट भी रिसीव नहीं की, और दूसरा जिसने कंप्लेंट किया उसको छोड़ भी दिया और कोई FIR लॉज नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको 8 घंटे से अरेस्ट करके बिठा रखा है, जबकि कोई FIR लॉज नहीं कर रखी, कुछ भी नहीं कर रखा। लड़का है, पहले उससे बात करो, किसकी चोट लगी है? मैडम काम बढ़ गया आपका। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि वजीरपुर में लाल बहादुर की मौत के बाद भी पानी को लेकर रोज झगड़े हो रहे हैं। पानी की किल्लत स्थानीय लोगों के लिए तो भारी परेशानी का सबब बनी ही हुई है, साथ ही पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए भी भारी चिंता और चुनौती का सबब बनी हुई है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर